हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बोया की बोया M1 माइक का रिव्यू करेंगे और वॉइस क्वालिटी को चेक करेंगे और देखेंगे कि कैसी आवाज़ आती है, अच्छी है या नहीं है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बोया M1 माइक कैसी है। इस माइक को मैंने अमेजोन से मंगाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं खरीदा, क्योंकि ऑफलाइन में इसके साथ फ्रॉड होने के बहुत अधिक चांस होते हैं। इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हो जाती है, जिसके कम से कम 500 रुपये के करीब चार्ज किया जाता है। और इसकी भी कोई 100% तो नहीं बोल सकते कि ओरिजिनल ही होगी। इसमें भी ऑनलाइन में फेक मिलती है, लेकिन कुछ हद तक सही मिलती है ऐसा मुझे लगता है। इसकी रेटिंग भी अच्छी थी, और कुछ भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीदें उसकी रेटिंग और रिव्यू ज़रूर से देखें। यह पैकिंग तो अच्छे से की हुई है, और यह इसका बॉक्स है, छोटा सा है, इसी के अंदर माइक रखी हुई है। और यह इसका 799 का बिल है, जो कि इसी बॉक्स के अंदर मिला है। यह माइक है, यहाँ पर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, जिसे आप वीडियो को पॉज करके देखना चाहो तो देख सकते हैं, वरना इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही होगा। ये इसका स्क्रैच कार्ड है, इसके नीचे इसके ऊपर से इसको स्क्रैच करके इसके नीचे इसका बारकोड मिलेगा, जिसे ऑनलाइन इसकी वेबसाइट के ऊपर डालकर स्कैनर से स्कैन करके वेबसाइट के ऊपर डालकर स्कैन करना होगा, जिससे इसकी ओरिजिनल है या लोकल है इसके बारे में पता चलेगा। ओरिजिनल माइक हमेशा अपने पाउच के अंदर ही मिलती है, और लोकल होगी तो यह एक प्लास्टिक की PVC ट्रे के अंदर डली हुई हो सकती है। यह इसका वारंटी कार्ड है, इसकी 1 साल की वारंटी है। ये कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, चाइनीज ही है। ये इसका यूजर मैनुअल है, जिसको चाहो तो पढ़ भी लें, वरना इनकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। इसके अंदर ऐसे कुछ सेटिंग इसकी करनी है नहीं। इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। यह माइक है, और ये काफ़ी हैवी भी है। इसके अंदर सिलिका जेल निकल के गिर गई नीचे। इसके कुछ कनेक्टर्स दिए गए हैं, अच्छी वेट और वायर की क्वालिटी अच्छी है इसकी। इसको माइक और DSLR दोनों के अंदर यूज किया जा सकता है। इसके अंदर एक स्लाइडिंग स्विच दिया गया है, जिसको एक साइड करने से मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, और दूसरी साइड करने पर यह DSLR पर काम करती है। इस वीडियो की ऑडियो रिकॉर्डिंग इसी बोया M1 माइक से की गई है, जो कि बाद में एडिट किया था। पहले इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। इसके अंदर इसकी बैटरी कनेक्टर्स। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। इसके अंदर यह है इसका सब कुछ, जो इसके अंदर एसेसरीज यूज होती है वह सभी दी गई है। और नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्क्रैच कार्ड को चेक करेंगे और देखेंगे कि यह ओरिजिनल है या लोकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।